हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रुद्रेश राघव। प्यारे बच्चों, इनटेक 01/2025 के जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इस समय पर फेज टू क्वालिफाई करने के बाद में एक तो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और एक हैं जो रीमेडिकल में अनफिट हो गए हैं, तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को इंश्योर करना चाहूँगा कि CASB की तरफ से आप सभी के पास में कॉल आ रही है। CASB के पोर्टल पर जो नंबर रहता है ना, टोल फ्री नंबर, उस नंबर से कॉल आ रही है और ये कॉल आपके जो है रीमेडिकल के रिगार्डिंग है। यानी कि जो बच्चे मेडिकल में अनफिट है, कल तक तो जो मेडिकल की बच्चों की मेरे पास खबर आ रही थी वो थी इस प्रकार की कि भाई जिन बच्चों का इको प्रॉब्लम था यानी ECG का प्रॉब्लम था उनके पास कॉल आई। बट अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे पास में एक लड़की की कॉल आई है, उसका हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम था और हर्निया का प्रॉब्लम, मतलब तो उस बच्चे के पास भी कॉल आई है। आई थिंक ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो भी इंडियन एयरफोर्स 01/2025 में जिन बच्चों का मेडिकल यानी कि फिट नहीं हुआ, जिनका जो रेड कार्ड होल्डर्स हैं, सो प्लीज़ आप सभी अवेयर रहें, कॉल पे ध्यान रखें, मतलब फ़ोन पे ध्यान रखें थोड़ा सा कि आपको कभी भी कॉल आ सकती है रिगार्डिंग टू योर रीमेडिकल। यानी रीमेडिकल के बाद भी एक और रीमेडिकल के लिए कॉल आ रही है और आपको ईमेल पर भी, प्यारे बच्चों ईमेल पर भी आपको क्या है कि मैसेज आ रहे हैं कि आप जो है मतलब 16 तारीख को आपको कानपुर जाना है। जिन बच्चों के पास में कॉल आ रही है उनको जो वेन्यू मिल रहा है वो आपका कानपुर मिल रहा है और प्यारे बच्चों 16 तारीख का है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने रीमेडिकल में अनफिट हुए हैं, जो रेड कार्ड होल्डर हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इस बात को अपने दिमाग में रखें, जहन में रखें कि आपको भी शायद कॉल आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कॉल जा रही है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक ही सेंटर के बच्चों पे जा रही है या फिर ECG वगैरह, नहीं, जिनके एक एक दो दो पॉइंट हैं शायद उनको कॉल जा रही हो या किसी को भी जा रही हो। बट मैं तो आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि भाई आप कॉल पर ध्यान रखें, फ़ोन पर ध्यान रखें, आपको कभी भी कॉल शायद आ सकती है। जिनको आ रही है वो बच्चे ज़रूर जाएं क्योंकि वैकेंसी आपके पास में अब की बार काफ़ी कुछ देखने को मिलेंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले समय में हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में लाता रहूँगा। आज हालांकि मैं कहीं बाहर जा रहा था बट फिर भी आप सभी को मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, लव यू सो मच।